हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और आज का आपका आज इस YouTube वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यू में यह क्वेश्चन हमेशा कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन GERD, दैट इज़ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो दोस्तों, अगर मैं हिंदी में ये बताना चाहूँ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ क्या होता है, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ में हमारे लिक्विड स्टमक के अंदर एक लिक्विड फॉर्म होता है जो काफ़ी मात्रा में डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है, लेकिन वह लिक्विड एक पर्टिकुलर मात्रा के ऊपर बढ़ जाता है तो हमें तकलीफ होने लगती है, जैसे कि इरिटेशन होना, एसिडिटी होना, हार्ट बर्न होना। अगर मैं इंग्लिश में बताना चाहूँ तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज इज आल्सो नोन एज एसिड रिफ्लक्स, इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर स्टमक कंटेंट्स कम बैक अप इनटू द इसोफेजियल फैगस रिजल्टिंग इन आइदर सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस। तो दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो जॉब होता है उसमें कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ये क्वेश्चन कॉमनली पूछती है कि इसमें क्या क्या पार्ट होता है और इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और मैं आपको इसके फीचर्स भी बताता हूँ दोस्तों कि इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों, एसिडिटी का मोस्टली ये होता है कि तीखा खाना, या फिर आप जैसे कि खट्टा खाते हो तो भी आपको एसिडिटी होता है, बराबर। तो अभी ये GERD में क्या क्या आता है? GERD में इसोफेजियस आता है, स्टमक आता है, फूड एंड स्टमक एसिड आता है, मसल दैट प्रोसेस टू प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स ये भी आता है। तो दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे कि GERD में और क्या क्या होता है। मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ कि एसिड एंड स्टमक कंटेंट्स बैकअप इनटू इसोफेजियस, बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ GERD। दोस्तों, अगर GERD को आपको जानना है तो उसमें क्या होता है, आप जैसे खाना खाते हो, खाना खाने के बाद कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है, तो उसके साथ हमारे मुंह में एक लिक्विड भी अपने आप अंदर ही बनता है सलाइवा के साथ, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स में असिमिलेट हो जाता है, मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि GERD में जो पार्ट्स काम करते हैं उसको हम जैसे इसोफेगस बोलते हैं, यानी जहाँ पे आईटिस ये वर्ड लगता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो GERD रिलेटेड है इसोफेजाइटिस, इरोजिव इसोफेजाइटिस एंड पेप्टिक स्ट्रक्चर, दैट इज पेप्टिक अल्सर्स आल्सो एंड बैरेट्स इसोफेजस। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि GERD के बारे में कुछ MR के जॉब में इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि कौन से टॉप ब्रांड्स है, जैसे पेंटाप्रेजोल है, राबेप्रेजोल है, इसमोप्रेजोल है, और उसको डोमपेरिडोन के साथ दिया जाता है। तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन में डॉक्टर्स को अच्छा खासा रिजल्ट आता है पेशेंट के लिए। जैसे कि दोस्तों, अगर हमें GERD से बचना है तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा चॉकलेट, फ्राइड एंड फैटी फूड्स, कैफीन एंड सोडा, उसके बाद जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, इससे क्या होता है ना GERD आपका काफ़ी बढ़ जाता है। और आप जैसे कि लेमन जूसेस पीते होंगे, या साइट्रस जो एसिड बनता है वैसे जो फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन या संतरा, मौसम्बी, ऑनियंस, टमाटोज, पेपरमिंट, इनसे GERD काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है तो आपको तकलीफ होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि GERD में क्या क्या हो सकता है तो इससे कई बड़ी बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जलन होती है गले के अंदर तो आपको डायरेक्ट ऑपरेशन ही करना पड़ता है। लेकिन अब GERD अगर हम इंटरव्यू के हिसाब से देखेंगे तो उसको सिंपली आपको बताना है, जो मेरे दोस्त MR लोग हैं जो इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज मोर कॉमनली रेफर्ड टू एज GERD और एसिड रिफ्लक्स ऑकर्स व्हेन द एसिड इन योर स्टमक फ्लोज अप इनटू द इसोफेगस। इट्स अ कंडीशन दैट कॉजेज अ बर्निंग सेंसेशन इन योर चेस्ट एंड इट्स व्हाई GERD ऑफन कॉल्ड हार्ट बर्न। व्हेन हार्ट बर्न ऑकर्स 2-3 और मोर टाइम ईच वीक एंड इंटरफेयर्स विथ योर लाइफ, यू हैव कंडीशन कॉल्ड GERD। तो दोस्तों, क्या होता है ना, आपको एक अच्छे डॉक्टर को GERD के लिए आप दिखा सकते हो, लेकिन डॉक्टर्स उसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स यूज़ करके देखते हैं, जैसे पेंटाप्रेजोल है, राबेप्रेजोल है, विद डोमपेरिडोन या कभी कभार प्लेन भी। लेकिन जहाँ तक मैंने भी फार्मास्यूटिकल्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं, वहाँ पे पूछा जाता है कि GERD के सिम्टम्स क्या है और वो उसमें क्या क्या होता है।
अब इसे बाकी मात्रा में भाषा में कहा जाए तो इट इज़ अ क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसीज दैट ऑकर्स विद स्टमक एसिड और ऑकेजनली बाइल फ्लोज बैक रिफ्लक्सेस इन टू योर फूड पाइप इसोफेजस. द बैकवर्श ऑफ एसिड इरीटेट्स द लाइनिंग ऑफ योर इसोफेगस एंड कॉजेज GERD साइंस एंड सिम्टम्स. यानी एक लाइनिंग होती है जिसे क्रॉस करके वो लिक्विड अगर ऊपर ऊपर आने लगता है तो GERD का सिम्टम्स हो जाता है. अब साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ GERD इंक्लूड एसिड रेफ्लक्स एंड हार्ट बर्न. बोथ आर द कॉमन डाइजेस्टिव कंडीशंस दैट मेनी पीपल एक्सपीरियंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. वेन दीज साइंस एंड सिम्टम्स ऑकर एटलीस्ट ट्वाइस ईच वीक और इंटरफियर विथ योर डेली लाइफ डॉक्टर्स कॉल दिस GERD. तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि GERD में क्या क्या होता है, जैसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, स्टमक होता है, इसोफेगस होता है, ये पार्ट्स होते हैं. मोस्ट पीपल कैन मैनेज द डिसकम्फर्ट ऑफ हार्ट बर्न विथ लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन. बट फॉर द पीपल विथ GERD दिस रेमेडीज में ऑफर ओनली टेम्प्ररी रिलीफ. पीपल विथ GERD में नीड स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन इवन सर्जरी टू रिड्यूस सिम्टम्स. तो दोस्तों GERD अगर आपको जानना है तो आपको ये सारा जो है फैटी फूड्स को अवॉइड करना पड़ेगा. और आपको MR के इंटरव्यू से देखना है तो आपको पूछा जाता है कि GERD जो है वो कौन से कॉमन सिम्टम्स के लिए यूज़ होता है. तो आप एक कॉमन सा बता सकते हो एसिडिटी, हार्ट बर्न, और इसके कई सारे सिम्टम्स भी है लाइक डिजीनेस और सीवियर हेडेक. आपको फ्राइड ऑयली और फैटी फूड्स तो अवॉइड करना है, एसिडिक फूड्स भी अवॉइड करना है, चॉकलेट एंड स्पाइसी फूड्स भी अवॉइड करना है, कॉफ़ी, अल्कोहल और कार्बोनेटेड बीवरेजेस ये भी आपको अवॉइड करना है क्योंकि इससे GERD बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है दोस्तों. तो दोस्तों आज के यूट्यूब के वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको कुछ भी क्वारी आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज डालिए, आपको उसका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा. तो मैं रोहन आपके लिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेते आऊँगा आगे के सीरीज़ में. तो दोस्तों ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी नॉलेज मिल सके. क्योंकि फार्मास्यूटिकल की बेसिक टर्म्स होती है GERD और ये बहुत सारी कॉमन ट्रेनिंग में भी बताया जाता है फार्मास्यूटिकल MRs के. और कई सारे डॉक्टर्स जो है ये कॉमनली पूछते हैं MR कॉल में. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा इस एक्सप्लेनेशन से आपको कई सारी हेल्प हुई होगी. तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आप शेयरिंग करेंगे तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा. और मेरा यह वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोस्तों.